स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बलवान की काली करतूत, बच्ची को कमरे में बंद करके करने लगा गंदा काम, साथ ही पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। नई दिल्ली नोएडा राजधानी जेवर्स कस्बे में नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पड़ोसी में रहने वाले पहलवान ने रेप करने का प्रयास किया है। नाबालिग बच्ची के शोर मचाने पर मौके पर परिजन पहुंचे तो आरोपी बच्ची को छोड़ भाग उठा। मिली जानकारी के मुताबिक परिजन पीड़ित बच्ची को लेकर जेवर कोतवाली पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई के बिना उन्हें वापस लौटा दिया। बता दें कि पीड़ित परिवार एक हफ्ते से पुलिस के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित परिजन एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तब जाकर पुलिस एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस आरोपी को पकड़ने की बजाय लड़की वालों पर समझौता के लिए दबाव बना रही है। पड़ोसी पहलवान ने बच्ची को पैसे का लालच देकर कमरे में ले गया था और गंदा काम करने लगा था। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बच्ची ने जब माँ बाप को बताया तब मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने उनके माँ बाप को फोन कर माफी मांगी है और कहा है कि आज के बाद यह काम कभी नहीं करूँगा। लेकिन माँ बाप को अभी भी डर है कि ऐसा दोबारा कभी किसी बच्ची के साथ ना हो। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।